हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक ऑन माय चैनल ट्रैवलर संध्या। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बिल्कुल ही मस्त बिंदास फर्स्ट क्लास होंगे एंड हम भी बहुत ही हैप्पी हैं। वैसे तो आज मेरे ऑफिस का लीव है गाइस, बट स्टिल आप देख सकते हैं मैं रोड पे भटक रही हूं बैक टांगे। एंड ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि आज मैं जा रही हूं शॉपिंग करने। बहुत ज्यादा नहीं, हल्का फुल्का कुछ सामान लेना है। तो आज फ्राइडे है, मेरा लीव रहता है फ्राइडे को, तो सोचा आज ही के दिन जाते हैं। तो अभी हम लोग रास्ते में हैं, निकल चुके हैं एंड बीआरटी बस पहुँच चुके हैं एंड यहाँ से 100-200 मीटर की दूरी पे बस स्टॉपेज है। वहाँ पे हमें बस आएगी, वहाँ से हम चढ़ के जाएंगे। एंड ये बीआरटी मेसरा का मेन एंट्रेंस गेट है गाइस, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से यहाँ पे मेंटेन करके रखा जाता है। एंड बहुत सारे यहाँ पे गार्ड्स भी रहते हैं, सिक्योरिटी फुल रहती है और किसी को भी बिना जांच पड़ताल के अंदर जाने नहीं दिया जाता है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ऑटो का भी अच्छे से जांच पड़ताल किया गया, उसके बाद ही अंदर जा रहा है। एंड यहां का एक बहुत ही ऑसम वाला व्यू आप सभी के लिए, हर तरफ हरियाली ही हरियाली है जो कि मन को बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट करता है। एंड इस तरफ भी आप देखोगे तो सिर्फ पेड़ वगैरह है एंड उधर खेती वगैरह, उधर दूसरा गाँव हो जा रहा है, इधर से इंडिया की बाउंड्री खत्म हो जाती है। एंड ये देखिए पेड़ों पे पर्पल फूल जो कि इनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। तो गाइस लगवा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला बात, तो समझ रहे हो? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? आप लोग करना क्या, आप लोग को सीट की पेड़ी बांध लो और मेरे वीडियो से चिपक जाओ, आपको छोड़ के सकते हैं नहीं जाना है। और आज मैं आपको पूरा जहाँ जाने जाऊँगी वहाँ मैं आपको घुमाऊंगी और खुद भी घूमूंगी और आपको दिखाएंगी कि हमने क्या क्या शॉपिंग किया। मे बी उसी टाइम पर दिखाएंगे या फिर घर आने के बाद दिखाएंगे, देखा जाता है जैसा भी होगा पॉसिबल मैं आपको दिखाऊंगी। तो आपसे स्पेशल वाली रिक्वेस्ट है आपकी जी एस संध्या की तरफ से कि ब्लॉग को छोड़कर प्लीज कहीं मत जाइएगा, क्योंकि आजकल मेरे ब्लॉग से बहुत ही ज़्यादा लेट हो जा रहे हैं एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से। और ब्लॉग लेट अब नहीं होंगे, कंटिन्यू रहेंगे, तो आप लोग ब्लॉग के साथ चिपके रहिए और इसे पूरा देखिएगा। अच्छा ना लगे फिर भी कमेंट लाइक अच्छा ना लगे तो लाइक मत कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, बताइएगा मुझे जो क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। तो हम ज़्यादा फिचर फिचर नहीं करते हैं और अपना ये प्यारा सा मुंह बंद करके अभी तो वीडियो शूट करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, हम लोग अपने स्टॉपेज पे पहुँच चुके हैं एंड वहाँ पे सामने देखिए बैठने के लिए बना रखा है और ये यहाँ पे मैप रास्ता दिखा रहा है एरो से किधर किधर जाना है। इंस्टीट्यूट बिल्डिंग सीधे जाना होगा आपको, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ये है जिम, ये जिम जो मैंने आपको आप मेरे पिछले वीडियो में देखिएगा मैंने जिम का पूरा ब्लॉग बना रखा है। एंड ये है जीपी बिरला ऑडिटोरियम जो कि उस तरफ है, तो हमें इधर से इस वाले रोड से जाना होगा। हॉस्टल नंबर 6 और 7 ये है एंड स्टाफ हाउसेस बस लिखा हुआ है। सो गाइज, ये है बीआरटी बस और इसी में हम लोग जाएंगे रांची एंड यहाँ पे कुछ लोग खड़े भी हैं, तो चलिए चलते हैं, चढ़ते हैं बस के अंदर। एंड बहुत ही हल्की भीड़ है गाइज, बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है। सो गाइज, अभी हम लोग आ गए हैं मेन रोड एंड यहाँ पे हमें कुछ सामान लेना है मशीन से रिलेटेड, एक्चुअली सिलाई से रिलेटेड, धागे वगैरह कुछ लेने हैं ब्लाउजेस वगैरह सिलने के लिए, तो चलिए चलते हैं। एंड ये है गाइस दुकान, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगे आपको। सो गाइस, ये है कपड़ों का ढेर एंड ये लोग ठेलियों पे कपड़े बेचते हैं बहुत ही चीप दाम में, आपको 100-150 में इजीली शर्ट वगैरह मिल जाएंगे। एंड यहाँ का ओवरऑल व्यू गाइस बहुत ही भीड़ भाड़ वाला है, मौसम भी आज बहुत ही अच्छा है, धूप निकली हुई है। एंड ये है हमारे सामने मॉल, सिटी स्टाइल मॉल है ये रांची का एंड और भी बहुत सारे मॉल्स हैं और यहाँ पे आई थिंक कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, तो दिवाली वगैरह आने वाली है तो भीड़ काफ़ी है गाइस, लोग शॉपिंग करने आ रहे हैं। एंड ये देखिए कपड़ों का कलेक्शन, ये स्टाइल बाज़ार और यहाँ पे आप देख सकते हैं भिन्न भिन्न प्रकार के कपड़े, वेराइटी ऑफ
चीज़ें, आपको हर चीज़ अवेलेबल हो जाएगी रांची में से। गाइज अभी हम लोग जा रहे हैं अपर बाज़ार एंड वहाँ से हमें अस्तर वगैरह, फॉल वगैरह, पेटीकोट वगैरह लेना है। एंड अभी ये सबसे बिजिएस्ट रोड होता है गाइज अपर बाज़ार का गली, बट आज उतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है, वरना तो यहाँ चलने तक की जगह नहीं मिलती है। रांची का बिजिएस्ट रोड है। यहाँ सामने में देवी माँ का मंदिर है और इधर हमें जाना है। देखिए गाइस टेडी बियर्स जो कि बहुत ही खूबसूरत दिख रहे हैं। एंड हमें सबसे लास्ट वाले दुकान में जाना है, हम लोग हमेशा वहीं से ले जाते हैं सामान वगैरह। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं हमें क्या क्या मिलता है यहाँ पे। वैसे तो लॉकडाउन अभी नहीं है तो सब कुछ अवेलेबल होगा आई थिंक, फिर भी। एंड ये है गाइस दुकान, यहाँ पे आप देख सकते हो सामान ही सामान है, कपड़ों का सामान जो चाहिए आपको यहाँ पे अवेलेबल हो सकता है। हमें अस्तर वगैरह लेने हैं तो हम वही लेने आए हैं। और यहाँ पे आपको मीटर में कपड़े भी मिल जाएंगे, प्रिंटेड वगैरह, प्लेन जैसा आप चाहो, टॉवल वगैरह सब कुछ अवेलेबल होता है यहाँ पे गाइस। एंड ये देखिए हम आ चुके हैं अब वेंडर मार्केट, रांची के वेंडर मार्केट। एंड यहाँ पे आप हर चीज़ आपको अवेलेबल होती है गाइस, बर्तन से लेकर के कपड़े एंड एवरीथिंग, कंबल वगैरह आप देख सकते हैं, चप्पल वगैरह, फुटवेयर। ये तीन तल्ला बिल्डिंग है गाइस, थर्ड फ्लोर तक है। एंड बहुत ही अच्छे से यहाँ मेंटेन किया जाता है एंड हर चीज़ आपको मिल जाएगी, बच्चों से लेकर के बूढ़ों तक के यहाँ पे सामान आपको अवेलेबल है। और यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि सबसे चीपेस्ट मार्केट है ये रांची का, आपको चीप प्राइस में बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी। एंड ये देखिए गाइस टेडी बेयर का शॉप कितना खूबसूरत दिख रहा है, हर तरह के टेडी बेयर आपको मिल जाएंगे, पिलोज़ वगैरह भी मिल जाएंगे। एंड यहाँ पे अंकल देखिए भर रहे हैं बड़े वाले टेडी बेयर में रुई। एंड ये देखिए कितना बड़ा टेडी है, ये पिलोज़ वगैरह रखे हुए हैं। एंड इधर है बर्तन का सामान, आपको हर चीज़ अवेलेबल होगी। ये है घड़ी का शॉप, एंड ये देखिए गाइस यहाँ पे है ज्वेलरी कलेक्शन और बहुत ही यूनिक यूनिक और हर तरह की ज्वेलरीज एंड कॉस्मेटिक रिलेटेड चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। एंड ये रहा कपड़ों का कलेक्शन गर्ल्स के वेयर का। एंड इधर फिर से अगेन आपको डिफरेंट डिफरेंट चीज़ेस हैं, ये ऊपर से मैं दिखा रही हूँ गाइस आपको, फर्स्ट फ्लोर से नीचे का व्यू जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। एंड ये है चप्पल का कलेक्शन, यहाँ पे आपको एक ही चीज़ के अलग अलग जगह पे स्टोर्स मिल जाएंगे।